morning, did you? Good morning, baby. Is yeah. she good morning? baby. Did you? get Nini Did okay? Okay. Good morning. बेबी के साथ नहीं नहीं करना है तुझे <laughs> नहीं <नम्ण। laughs> तो नहीं करने चलेगी ना है ना है बैठ के ना बैठ के ना होगी ओके चलो बैठ के ना दो और इसी भी बैठ ओके चल जल्दी जल्दी रेडी कर दे मामा है ना ये आज दिन करेंगे पार्टी है ना नहीं हां ओके चेक योर डाई नहीं करके रेडी हो गई है और आज होगी आज क्या होने वाली है सात की सातटी तो चलिए ब्रेकफास्ट और दा टूथ ब्रश आईशी की ईशी के मिल्क टूथ ब्रश है एंड परमानेंट टूथ आ रहा है दिखा दो तेजी आ ओ ओ

वेलकम बैक टू द चैनल होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज मॉर्निंग का सारा काम फिनिश हो गया ब्रेकफास्ट का सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है और लंच के लिए कुछ आज लंच के जगह ना कुछ स्पेशल प्लानिंग हो रही है क्यों हो रही है वो मैं थोड़ी देर में आप लोगों से शेयर करूंगी ऑफकोर्स बिकॉज आप लोगों की भी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है तो आज ना लंच में चाट पार्टी की प्लान हो रही है लंच के जगह बस बच्चों के लिए थोड़ा सा खिचड़ी बना लूँगी ताकि अगर ना वो खा पाए ना कोई भी चीज़ तो फिर उनके लिए कुछ ऑप्शन में रहेगा बाकी सबके लिए चाट पार्टी में वी आर प्लानिंग टू मेक गोलगप्पे तो हमने मंगवा लिया था ख़रीद के बट बस मसाला एंड पानी रेडी कर लेंगे पानी पूरी का एंड देन ब्रेड पकौड़ा सोच रही थोड़ा सा बनाने के लिए तो ये सब तो सबको आता ही है ऑफकोर्स बट एक रेसिपी जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि ये मैंने कहीं से देख के नहीं सीखा है यूट्यूब या कहीं से तो ये मेरा भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल इन्वेंशन है तो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ तो आज चाट पार्टी में एक अलग टाइप का चाट बनाऊंगी ब्रेड चाट जो बहुत ही इजी तो है ही लेकिन बहुत ज़्यादा यामि यमी लगता है बहुत टेस्टी लगता है तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी तो इमली रात को ही सोख कर दिया था एंड गुड़िया ने ना छोटी देवरानी ने वो इमली चढ़ा दिया अभी चटनी बनाने के लिए देन ग्रीन चटनी ऑल तो बहुत सारी तैयारी करनी है थोड़ी थोड़ी करके बहुत सारी तैयारी करनी है तो उसकी अभी तैयारी करती हूँ तो चलिए चाट पार्टी का प्रिपरेशन करती हूँ एंड जो ब्रेड चाट बनाऊंगी उसकी रेसिपी भी मैं साथ में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी और थोड़ी देर में बताती हूँ जो किस स्पेशल रीज़न से जो बना रही हूँ ये चाट पार्टी क्यों हो रही है बहुत ही क्यूट सा रीज़न है पर पहले तैयारी एंड फिर आती हूँ मिलती हूँ फिर आप लोगों से बताती हूँ शेयर करती हूँ जो बात है तो चलिए चलते किचन में एंड कर लेती हूँ तैयारी सारी सो so फ्रेंड्स हमारे चटपटी चाट पार्टी के लिए ये रही इमली की खट्टी मीठी चटनी और ये रही खट्टी एंड तीखी ग्रीन चटनी धनिया पत्ता की एंड यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करके रख लिया है और साथ में ये जो मार्केट से हमने मंगवाए थे पानी पूरी या गोलगप्पा जो बोल लीजिए वो मंगवा लिया था मार्केट से तो बस आलू छिलके रख दिया मैश करके ठंडा होने के लिए तो जब तक उधर आलू ठंडा हो रहा है मैं बेसन ब्रेड का बैटर रेडी कर ले रही हूँ तो यूजवली हम इसे ब्रेड पकौड़ा भी बोलते हैं तो उसके बैटर के लिए मैंने तीन बड़े चम्मच लिए हैं बेसन और एक चम्मच बड़े चम्मच लिए कॉर्नफ्लोर इससे थोड़ा क्रिस्पी बनता है पकौड़ा एंड देन यहाँ पे मैं डाल रही हूँ उसमें हल्दी पाउडर थोड़ा सा एंड यहाँ पे भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड किया है और कश्मीरी लाल मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है तो बच्चों को भी खाना है तो हल्का तीखा और कलर भी अच्छा आता है पकौड़े का एंड साथ में यहाँ काला नमक ऐड कर दे रही हूँ थोड़ी सी अजवाइन कोई भी पकौड़े में ना थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर देने से डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है एंड वन ऑफ़ माय फेवरेट इंग्रेडिएंट अदरक लहसन का पेस्ट जो मैं हर पकौड़े में ज़रूर ऐड करती हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अब बैटर को इस तरह से यहाँ पे मिक्स करूँगी ताकि कोई लम्स ना क्रिएट हो एक बार में ज़्यादा पानी ऐड कर देने से ना लम्ब क्रिएट होते तो बस इस तरह से कुछ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए तो बस ब्रेड पकौड़ा का बैटर रेडी हो गया एंड मैंने ब्रेड को ट्रायंगल शेप में कट कर लिया आप चाहे अपने पसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं इसे एंड देन यहाँ पे थोड़ी देर बाद इसे फ्राई करूँगी तब तक मैं यहाँ पे पानी पूरी और ब्रेड चाट के लिए आलू मसाला रेडी कर ले रही हूँ तो यहाँ पे मैस्ट आलू अच्छे से ठंडा हो गया था तो उसमें ढेर सारा मैंने फाइनली चॉप्ड अनियन ऐड किया और उसमें ऐड करना है ढेर सारा धनिया पत्ता जो इसकी जान है और उसके बाद यहाँ पे भुना हुआ जीरा मैंने ऐड किया मैंने हरी मिर्च स्किप किया क्योंकि बच्चों को खाना ना अगर आप चाहे तो ज़रूर इसमें हरी मिर्च ऐड करें और साथ में यहाँ पर काश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ और चंकी चाट मसाला तो चाट मसाला में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है साथ साथ यहाँ ब्लैक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ पहले अच्छे अमाउंट में और थोड़ा सा फिर अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे वाइट सॉल्ट ऐड करके सारे मसाले को अच्छे से मैं मैश कर लूँगी तो बस मसाले को सबको अच्छे से मिक्स कर लिया तो ये ब्रेड चाट के लिए मसाला रेडी हो गया अब साथ में थोड़ा सा गोलगप्पे के लिए मैं मसाला रेडी कर ले रही हूँ उसमें थोड़ी सी बस सेम मसाले मैं एडिशन करूँगी तो जिसमें ऐड कर रही हूँ मैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स आप चाहे तो ब्रेड चाट के मसाले में भी चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं बट बच्चों को खाना ना तो इसलिए मैंने चिली फ्लेक्स नहीं ऐड किया उसमें तो यहाँ पर ऐड किया चिली फ्लेक्स थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ इमली का पानी देख के भी मैं भी आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा ना यमी अमी सा मुझे भी अभी देख के एडिटिंग में भी ना अभी भी मन कर रहा है खाने का तो बस यहाँ पे मिक्स करके ये मसाला रेडी हो गया गोलगप्पे का तो बस इसके बाद कर लूँगी ब्रेड चाट की तैयारी तो मैं एक बार में ही ब्रेड कट करके कर एंड उसे रेडी कर लूँगी तो यहाँ पे आप चाहे तो ब्रेड को कोई भी शेप दे सकते हैं बट राउंड शेप बहुत ही क्यूट लगता है तो मैं इस तरह से सारे ब्रेड को राउंड शेप में कट कर ले रही हूँ तो बस यहाँ पे सारे ब्रेड कट हो चुके हैं और ये जो साइड पोर्शंस है ना इसे मैं सेव कर लूँगी किसी और रेसिपी के लिए ब्रेड क्रम्स बना के इसे यूज़ करूँगी और इसके बाद यहाँ पे ब्रेड जो चाट के लिए टिक्की रेडी करनी है बस मैं वो फिल करके रेडी कर रही हूँ तो जो आलू मसाला बना के रखा था ना जस्ट उसे अच्छे से फ्रंट फेस में एक साइड में अच्छे से फिल करना है तो मैंने एक एक करके सारे यहाँ ब्रेड में इस तरह से फिलिंग कर लिए तो कुछ इस तरह से ये एक साइड में फिलिंग होनी चाहिए टिक्की की तो बस यहाँ पे सारा ब्रेड मेरा रेडी हो गया अब मैं थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में स्टोर कर दूँगी ताकि जैसे जैसे खाना होगा ना तब मैं उसे सर्व कर पाऊँ और तब तक यहाँ पे दही बना के रख ले रही हूँ मैं खट्टी मीठी दही तो इसके लिए मैंने लिया है ढेर सारा दही उसमें डाला है भुना हुआ जीरा पाउडर थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एंड ब्लैक सॉल्ट तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे एंड देन डाला है चीनी ढेर सारा एंड इसे अच्छे से फेट लेना है तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये दही जो है ना खट्टा मीठा जो चाट के लिए है तो बस यहाँ दही भी रेडी हो गई अब इसे में मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूँगी एंड देन फिर बना ले रही हूँ फाइनल यहाँ पे इमली का पानी गोलगप्पे के लिए तो ये मैंने लिया इमली का पानी इसमें ऐड किया है चिली फ्लेक्स थोड़ा सा मैंने ऐड किया ब्लैक सॉल्ट थोड़ी सी भुना हुआ जीरा पाउडर एंड यहाँ पे ये जो पानी पूरी मसाला है ना एम डी एच का हमारे पास वो ऐड कर रही हूँ तो इसमें भी ऑलरेडी सॉल्ट होता है तो इसलिए मैंने सॉल्ट ज़्यादा नहीं डाला था एंड धनिया पत्ता इज़ लाइक माई मोस्ट फेवरेट तो बस इसे मिक्स करके ये रेडी है पानी पूरी का मसाला यामी लग रहा है ना देख के तो चलिए आ जाइए आप लोग भी चाट पार्टी ज्वाइन कीजिए यहाँ मैं गर्मा गर्म पकौड़े फ्राई कर रही हूँ ब्रेड पकौड़े तो बस इससे स्टार्ट कर रही हूँ तो ये थोड़े से फ्राई करके रख लूँगी ना ताकि जब चाट बनाना हो जैसे जो आएंगे ना तो उन्हें मैं सर्व करूँगी तो बस यहाँ पे पकौड़े फ्राई हो गए ऑलमोस्ट तो बस यहाँ पे अब ब्रेड चाट का थोड़ा सा सर्व करने के लिए मैं एक राउंड रेडी कर ले रही हूँ तो ये जो पोर्शन है ना ये साथ में इंस्टेंटली बनाना होता है जब कोई खाने के लिए रेडी हो तो तो बस मीडियम फ्लेम पे यहाँ मैंने जो ब्रेड रेडी करके रखा था उसके पहले मैं बेस को सेक के क्रिस्पी कर लेना तो ये चाट में भी ना खाने में बहुत अच्छा यमी एंड क्रिस्पी लगता है इसका बेस और दूसरे साइड जो आलू था ना फिल किया उसे भी थोड़ा सा सेक लेना है लो मीडियम बिटवीन फ्लेम में तो बस यहाँ चाट के लिए ये ब्रेड जो है सिक के रेडी हो गया अब करूँगी चाट की प्रिपरेशन तो बस यहाँ पे मैं ब्रेड पे अब ऐड कर रही हूँ जो खट्टी मीठी दही बना के रखी थी वो अच्छे से यहाँ ऐड करना थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में देन ऐड कर रही हूँ यहाँ पे खट्टी मीठी इमली की यामी यामी चटनी एंड थोड़ा सा यहाँ पे धनिया पत्ता का तीखा सा चटनी तो चटनी या कुछ भी आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकते हैं साथ में ऐड कर देना इस पर भुजिया तो मैंने यहाँ हल्दीराम का भुजिया ऐड किया आप चाहे तो कोई भी भुजिया अपने पसंद का ऐड कीजिए दैन फाइनली चॉप्ड आनियन एंड थोड़ा सा धनिया पत्ता तो फ्रेंड्स होली आ रही है तो इस चाट पार्टी को आप लोग भी बनाइए एंड एन्जॉय कीजिए बहुत ही टेस्टी लगता है तो बस ये जो स्पेशल ट्रीट है गुड न्यूज़ का तो ये बस चाट पार्टी रेडी है तो जिसके लिए बनाया गया है उसे बुला के लाती हूँ और इन्जॉय करते हैं चाट पार्टी चियर्स के, चियर्स टू पुष्कर पार्टी। ज़मी, खड़े हो गए तुम। चलिए हम लोग कुछ का एन्जॉय करते हैं, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। बाय बाय पंडाओ। तो ये है स्पेशल रीज़न जिसके लिए पुष्कर पार्टी चाट पार्टी हुई है। अन्य <laughs> बहुत मजेदार था सब कुछ आज का। थैंक यू फाइनली फ्रेंड्स आई एम अप स्टेयर जो चाट पार्टी थी वो हो गई हमारी और ब्रेड चाट इतना हैवी हो गया था न कि ब्रेड चाट एंड ब्रेड पकौड़ा खाने के बाद पानीपूरी खाने का किसी का हिम्मत ही नहीं बचा सब दो 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 पीस खाएं तो अब शाम में चलेगा वो पानीपुरी खाएंगे एंड देन जो रीज़न था स्पेशल रीजन जिसकी वजह से ये बना था एक्चुअली मैं कल जब रात में आई ना जॉब से तो मेरी छोटी देवरानी गुड़िया शी सेट की पता है दीदी बहुत ज़्यादा पानीपुरी खाने का दिल कर रहा है चटपटा सा एंड गुड न्यूज़ इज दैट शी इज़ हैविंग बेबी वो ऑलमोस्ट ड्यू डेट बहुत ही पास है और बेबी गर्ल होने वाली है हमारे घर में एक छोटी सी बेबी गर्ल आएगी तो ड्यू डेट अब ऑलमोस्ट पास है तो उसने विश किया तो मैं सोची चलो बना देती हूँ बिकॉज़ फिर पता नहीं अब जल्दी से जल्दी कब टाइम आ जाए ना नज़दीक पता नहीं है सो इसलिए मैंने उसकी विश पूरी कर दी क्योंकि फिर बेबी होने के बाद तो फिर एक दो महीना तक वो सब खा नहीं सकते ना कि वैसे चटपटा जितना प्लेन खाइए उतना ही अच्छा है तो दिस इज़ द गुड न्यूज़ एंड द रीज़न शी सेड लास्ट नाइट जो से आने के बाद तो मैं कह नहीं आज बनाना बनता है क्योंकि फिर होली आ जाएगा एंड ऑल दोस्त तो फिर ऐसे ही बहुत कुछ हो जाता है तो यही था रीज़न तो जो आपसे शेयर किया एंड ब्रेड चाट जो शेयर किया ना बहुत ही यमी लगता है ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत ही इजी भी है एक बार बना के रख दीजिए अगर गेस्ट के लिए भी बनाना है तो आप होली में भी वो ट्राई कर सकते हैं बना के वैसे ब्रेड एंड वो आलू वो फिल करके रख दीजिए इंस्टेंट जैसे कोई आए सेक के बस उसमें चाट का प्रिपरेशन जैसे करते वैसे आप बना सकते हैं तो फॉर नाव तो आज का ब्लॉग अब मैं यही एंड करती हूँ तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके हमारे रियल लाइफ शेयरिंग का हिस्सा बन जाइए ताकि इसके थ्रू आप लोग भी नन्ही सी परी से जो जब हो सके मैं आप लोग से मिलवाऊँगी तो बस आज का ब्लॉग यही एंड करते हुए बाय बाय स्टे हैप्पी स्टे सेफ टेक केयर ऑफ यर सेल्फ बाय बाय